नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ मनीषा पांडा। रुक करते हैं आज के तमाम खास खबरों की ओर। कोरिया जिले के पचना थाना अंतर्गत पांडव पारक में रामनाथ किराना दुकान है। आधी रात को दुकान में आग लगने से लगभग 10 लाख का सामान जलकर खाक। दुकान संचालक रमेश यादव ने हमें बताया कि यह अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने के उपरांत आग लगा दी गई, जिससे लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इसके पहले भी एक बार दुकान में चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं पंडरपारा चू के प्रभारी कमलेश पांडे जी ने हमें फोन पर बताया कि उक्त मामला चोरी का मामला नहीं है, यह मामला 435 का मामला है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आगजनी किया गया, जिसकी हम जांच कर कार्यवाही करेंगे। पारा में ये किराना दुकान सबसे बड़ी किराना दुकान है, ठीक है ना। रामनाथ चौक के नाम से इसको जाना भी जाता है पूरे पंडोपारा में। और दूसरी बात यह है कि कुछ महीना पहले भी सेंध मार के चोर ने इस दुकान में चोरी किया रहा। इसके लिए रिपोर्ट अपन दर्ज नहीं करवाने गए रहे तो सामने वाले पुलिस प्रशासन ने बोला रहा कि दर्ज मत करवाइए, हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिकी दर्ज उस समय भी नहीं हुआ रहा। और ये दूसरा घटना है, सामने वाला चोर ने चोरी किया बाकायदे, रात की घटना है, और उसके बाद दुकान में आग लगा दिया द्वेषपूर्ण। और हम व्यापारी सारे मिलके इस घटना की निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन और शासन से मांग करते हैं कि आइंदा इस तरह की घटना ना घटे, ताकि ये दुकानें हमारी रोजी रोटी है और इससे हमारा पूरा परिवार चलता है। तकरीबन कम से कम 10 से 15 लाख का नुकसान है। और अभी त्यौहार का समय है, लगातार सामान 2-3 दिन से आया भी था और सारा सामान जल के रखा हुआ है।